श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश रोज एक या दो हमारे मित्र इस अर्जी को लेकर आते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी किस्मत बंद गई है जो आने वाला व्यापार होता है जो आने वाला पैसा होता है वो भी रुक जाता है और फिर ऐसे मित्र आते हैं जिनका धन किसी ने रोक रखा हो जिनका धन कोई वापस ना कर रहा हो आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है आपको अगर लगता है कि आपका धन आना चाहिए लेकिन वो आ नहीं रहा है वो किसी व्यक्ति के चलते हो वो किसी परिस्थिति के चलते हो या वो भाग्य के चलते हो इन तीनों कारणों से अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो अथर्व वेद में आपके लिए एक तो बहुत ही आसान सा उपाय दिया हुआ है देखो तंत्र का उपाय या तंत्र का जो टोटका होता है वो जो नॉर्मल टोटका होता है उससे अलग होता है ठीक है तो जब इसको आप करोगे तो थोड़ी तो टेक्निकलिटीज होती है और थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी होता है ठीक है कैसे करेंगे इसका उपाय सबसे पहले भोजपत्र लेंगे ठीक है स्क्वायर शेप का भोजपत्र और वैसा हमें चाहिए फोर्टी एट भोजपत्र उसके बाद उस भोजपत्र पे हम लोग जो नवग्रह है उसका नवग्रह मंडल बनाएंगे ठीक है नवग्रह मंडल कैसे बनता है तो नौ घर बनाए जाते हैं ठीक है और नौ घर के ऊपर जो है अलग अलग ग्रहों के मतलब हर एक घर में जैसे पहले घर में आप बुध का नाम लिखते हैं दूसरे घर में आप शुक्र लिखते हैं तीसरे घर में चंद्र लिखते हैं ठीक है फिर दूसरे लाइन में आ जाइए मतलब तीन कॉलम है और तीन रो है ठीक है तो सबसे ऊपर वाली लाइन में आपने पहले बुद्ध लिखा फिर शुक्र लिखा फिर चंद्र लिखा उसके नीचे आप लिखेंगे बृहस्पति सूर्य और पृथ्वी ठीक है और सबसे नीचे वाली ये मध्य वाला लाइन था मध्य लाइन में बृहस्पति सूर्य और पृथ्वी और सबसे नीचे वाला जो लाइन है उसमें आप आ जाइए तो पहले घर में आप लिखेंगे राहु दूसरे में केतु और जो नौवा घर है उसमें आप लिखेंगे सूर्य ठीक है तो नौ बॉक्सेस बनाया आपने हरेक पत्ते पे हरेक फोर्टी एट पत्ते पे नौ बॉक्स बनाया पहले घर में आप लिखिएगा सोम दूसरे में मंगल तीसरे में बुद्ध चौथे में गुरु पांचवे में शुक्र छठे में शनि सातवें में राहु आठवें में केतु और नौवें में सूर्य ठीक है इसके बाद जो अगला विधान आपको करना है कि इसके ऊपर नौ धान रखना है तो नौ तरीके के धान होते हैं ठीक है इसमें वीट रखा जाता है सूर्य के लिए चावल रखा जाता है चंद्रमा के लिए दूरल रखा जाता है फिर हरा चना रखा जाता है लाल चना रखा जाता है सफ़ेद चना रखा जाता है थोड़ा सा सरसों रखा जाता है ठीक है काला चना रखा जाता है और एक घोड़ा चना होता है वो रखा जाता है ये नवग्रह अगर आप नवग्राम बोलेंगे किसी को कि नवधान्य मुझे दे दीजिए तो वो आपको दे देंगे ठीक है ये जो सारी प्र, प्र, प्रक्रिया आपको करनी है ये किसी नदी के तीर पे करनी है तो नदी के तीर पे आप बैठ जाएंगे 48 भोजपत्र लेंगे उस पर फोर्टी मंडल बनाएंगे मंडल आप लाल कलम से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप केसर से भी बना सकते हैं दोनों की छूट है लाल दवात पेरे कहने का था उसके बाद 48 जो आपने यंत्र बनाया उसके ऊपर नवधान को रखेंगे ठीक है और उसका 48 एट प्रदक्षिणा करेंगे फिर उसी संख्या में आप उसको प्रणाम करेंगे ठीक है इतना करने के बाद उसके सामने एक हम लोगों को दीपक जलाना है दीपक में तीन तरह का तेल होता है तो आप सरसों रख सकते हैं चमेली रख सकते हैं और तिल का तेल रख सकते हैं ऐसे तीन तेलों को मिला करके उसके सामने बारह दीपक जलाना है ठीक है और एक बार जब आपने फोर्टी एट बार उसको प्रणाम कर लिया तो जो भी जितनी सामग्री है सब को मन में ये संकल्प करते हुए कि मेरा जो भी डूबा हुआ पैसा है मेरा जो भी रुका हुआ पैसा है वो वापस आ जाए ऐसा सोचकर सामग्री को जल में विसर्जित कर दीजिए तो वो धन वापस आ जाता है वो किसी भी मार्ग से रुका हो इस साधना को अगर आप ग्रहण काल में जैसे अभी तीन ग्रहण काल आ रहे हैं एक, एक दो चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण उस काल में करेंगे तो आपको ज्यादा से ज़्यादा लाभ होगा आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट में जिसमें आसन बंधन दिशाबंधन और जितनी चीज़ें अघोर में गुरु मंत्र से पहले आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 अघोर तंत्र से डॉट एक्स वाई जेड पर जा सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आज के लिए इतना ही इस तंत्र टोटके को करिए और आपका जो डूबा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाएगा ऐसा मेरी भैरव बाबा से आप लोगों के लिए प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलग